हेलो जी, ये देखिए, ये उगे हुए चने, काले चने हैं, और ये मूंग की दाल है साबुत। ये देखिए, ये भी स्प्राउट हो चुकी हैं, मतलब उग चुकी है। और इसमें मैंने छोटा छोटा प्याज काटा है। इसको क्या करेंगे, अब मैं डाल लूँगी मिक्सर ग्राइंडर जार में, और इसके बाद क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं पीस लूँगी, और ये हाई प्रोटीन रेसिपी बन के तैयार होगी, और ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा। ये देखिए जी, ये पीसने के बाद ऐसा हो गया, थोड़ा मोटा ही पेस्ट बनाएंगे इसका। अब इसको एक बर्तन में डाल लेंगे, और उसमें थोड़ा मिक्सर जार में पानी डाल के उसको भी इसी में डाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें डाल दूंगी मैं 1 कप सूजी, ये देखिए। इसके बाद इसमें आधा कटोरी ये बेसन है, आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। उस पर थोड़ा सा हरा धनिया, हरे धनिया के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक, और उसके बाद डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन जो हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, थोड़ा धनिया पाउडर, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर, और ये चटपटा सा ब्रेकफास्ट बना के रेडी करेंगे। ये घर की बनी हुई दही है, ना पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है, और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए, मिक्स करने के बाद इसको हम रेस्ट पे छोड़ देंगे यही 10 मिनट के लिए। ये देखिए, और 10 मिनट बाद क्या करेंगे, इसमें को मैं डाल देंगे इनो। ये इनो का 1 पाउच है, लेकिन मैं इसका आधा ही डालूँगी। ये देखिए, इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको हम फटाफट घोल लेंगे इसे, और बहुत अच्छे से बन के तैयार होता है ये ब्रेकफास्ट। अब तवा, लोहे का तवा लेंगे, उसको गर्म करेंगे अच्छे से, उसमें तेल डाल के इस बैटर को अच्छे से फैला लेंगे। बहुत ईजी तरीके से ब्रेकफास्ट बन के रेडी होता है दोस्तों, और आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा अच्छा खासा, और बच्चों को ये बना के दीजिए तो बच्चे भी खुश रहेंगे और उनका पेट भी भर जाएगा। और इसको ढक के पकाएंगे हम। ये देखें, अब इसको पलट लेंगे और गैस को बिल्कुल मंदा रखेंगे, थोड़ा सावधानी से पलटे। देखो जल्दबाजी में मेरा थोड़ा सा चीला ये टूट गया है, लेकिन कोई बात नहीं। कलर देखिए आप इसका कितना अच्छा था, क्योंकि ये धीमी गैस पर पकाने का नतीजा है जिससे कलर आया है। तो दोस्तों, ऐसे करके हम सारे चीले बना लेंगे। ये देखें, मैं पास से दिखा देती हूँ कलर इसका। बीच मैसेज आ रहा था उसके लिए सॉरी, और इसको दबा दबा के अच्छे से सेक लेंगे दूसरी साइड से भी। ये देखिए, और कितना अच्छा बन के रेडी हो गया। चटनी मैंने पहले ही बना ली थी हरी मिर्च और धनिया की, और ये देखिए कितने सॉफ्ट और अच्छे बन के ये चीले तैयार हुए हैं। आप चाहे तो पराठा भी कह सकते हैं, और इसका मैं कर लूँगी ब्रेकफास्ट। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, आगे से आगे वीडियो को बढ़ाएं। धन्यवाद आप सभी का, और मैं कर लेती हूँ।